आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना बेहद कठिन है। संगीत की दुनिया में ऊंचाइयां हासिल करने के बाद ये शख्सियत अब एक्टिंग के क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। उनकी पहली फिल्म बतौर एक्टर कुछ करिए चंद रोज बाद रिलीज होने वाली है। चलिए मुलाकात करते हैं जाने माने गायक सुखविंदर सिंह से। बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है। थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू सुखविंदर जी। आपके अनगिनत फैंस और एज अ जर्नलिस्ट मैं भी बहुत क्यूरियस हूं आपकी जब आप हमने सुना कि आप फिल्मों में उतर आए हैं एज एन एक्टर, आपकी पहली फिल्म चंद रोज बाद रिलीज होने वाली और ये सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए तरुण जी, इस फिल्म के लिए मुझे सबसे पहले गाने के लिए अप्रोच किया गया था और मेरे कई आसपास के बहुत से दोस्तों से उन्होंने कहा कि क्या सुखविंदर जी न्यू प्रोडक्शन हाउस के लिए गाएंगे। तो जब मुझ तक ये मैसेज पहुंचा तो मैंने कहा कि उन्हें आप बताएं कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे गाने गाने का शौक रखता हूं, मैं कभी ये भी नहीं पूछता कि प्रोडक्शन हाउस कितना बड़ा है या स्टार कास्ट क्या है। और बात सच्ची निकली, जब मुझे गाना सुनाया गया आई वॉज रियली फ्लैबरगस्ट, इतना बेहतरीन गाना था, वेरी स्टाइलिश। उसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि बहुत स्टाइलिश गाना लेकिन उसके अंदर मैसेज था सोसाइटी को। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप सेकंड गाना कभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो तो जरूर आई विल एक्सेप्ट इट, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे केम इट वाज रेवोल्यूशनरी सॉन्ग। जैसे हर इंसान के अंदर एक रेवोल्यूशनरी करेक्टर तो रहता ही है, उसको मैंने जब गाया तो मैंने अपने इंजीनियर्स को बोला कि 4-5 माइक लगा, जो कि टेक्निकली नहीं होता ऐसा रिकॉर्डिंग, लाइट्स का थोड़ा इनहांस एनवायरमेंट बनाया और दीज पीपल वर सिटिंग इनसाइड द स्टूडियो। जैसे गाना कंप्लीट हुआ तो जैसे कोई कसम खा लेता है ना, तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उन्होंने कसम खाई कि भाई जी ये दूसरा गाना या तो हम फिल्म को यहीं पर बंद कर देते हैं या आप हमें वादा कीजिए कि इस फिल्म को आप ही करेंगे और वही चाहिए जो गाते वक्त आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे। तो मना किया मैंने, उनका कहा कि मैं देखिए आप भले मुझे इस फिल्म के अगर लगता है तो सब गाने गवा लीजिए लेकिन आई एम नॉट प्रिपेयर। फिर उन्होंने थोड़ा ग्रेसफुली चालाकी से नरेट किया प्लॉट, वो कहीं से मेरे व्यक्तित्व से मेल खा गया एंड हाउ इट स्टार्ट राइट। पर अगर आप अपने आप अगर आप सोचते हैं एक्टिंग के बारे में तो क्या आप हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो गया कि उन्होंने आपको ऑफर किया और आपने सोचा कि वेल कहानी भी अच्छी है गाने बहुत अच्छे हैं चलिए कर लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन है, सोचा सोच ना होवे जो सोचे लखवार। सोचने से नहीं, लाइक मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था। अच्छा। हाँ जी, मेरा 100 मीटर्स का जो स्टेटस रहा है 11:28 फ्रैक्शन रहा है जो इंटरनेशनली कंसीडर करना चाहिए। तो उसके बाद कुछ एक बहुत खूबसूरत सा इंसिडेंट हुआ, मैं म्यूजिक में आ गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि म्यूजिक से मैं एक्टिंग में आ गया, राइट। म्यूजिक इज देयर इस फिल्म में, जो भी एक्सप्रेशन है लविंग है, चाहे वो सोशल एक्सप्रेशन है चाहे वो मैसेज है या स्टाइल है, वो म्यूजिक के थ्रू है। और आपको चेहरे पे ऑन स्क्रीन हीरो बनने की भूख नहीं नजर आएगी, ये बात मैं वादे से कहता हूं। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अक्सर चूंकि आप ये लॉन्च हो रहे हैं फिल्म में तो वो एक हीरो बनने का जो एक शौक होता है, क्या वो शौक पर्दे पे नजर आएगा क्या, या एक हम सिर्फ एक आर्टिस्ट को देखेंगे जो उस पात्र को निभा रहे हैं? इस फिल्म का हीरो इसके विचार है, विचार ही इसके हीरो हैं, क्योंकि अच्छे विचार कभी मरते नहीं। दिस इज फिल्म अबाउट कि अच्छे विचार जो हैं कभी मरते नहीं। एक कोई किसी संत महात्मा ने, किसी व्यक्ति ने, किसी क्रांतिकारी ने, आप शहीद भगत सिंह जी ने जो विचार दिया, हाँ जी, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनके दिए हुए विचार कभी मरे नहीं, अच्छे विचार कभी मरते नहीं। तो जब विचारों की बात करते हैं तो आप को मेरे को नहीं लगता कि आपके चेहरे पे हीरोगिरी की भूख होती है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, और वो पूरी फिल्म में लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने
सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा था कि सुखविंदर सिंह के चेहरे पे वो हाव भाव नहीं आने चाहिए कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स था उसके करियर से जो वो इस तरफ चला है। राइट। विचार जो थे, मैं आपको पहले भी तरुण जी जैसे कहा है कि मेरे व्यक्तित्व से मेरे मेल खाते थे, इसकी वजह से ये एक्सेप्ट हो गया। इसलिए ये फिल्म ना कि एज एन हीरो जब कह लीजिए शुरुआत हुई थी, म्यूजिक से शुरू हुई और म्यूजिक पे ही अंत हुआ इसका, कंप्लीट भी म्यूजिक से ही हुई। राइट। तो जब आप शूट कर रहे थे ये फिल्म के लिए एज एन एक्टर, तो आपको कठिनाइयां महसूस हो रही थी क्योंकि गाना गाना स्टूडियो में, उधर तो आपके कोई एक्सप्रेशन दिखता नहीं है सिवाय आपके म्यूजिक डायरेक्टर, सिवाय आपके म्यूजिशियंस के, आपके जो टेक्निकल टीम होती है, बट यहां पर आपको पर्दे पे दिखना है, तो एक्टिंग कितनी टफ थी? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात का बहुत शुक्रगुजार करूंगा, आई एम रियली थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, मिस्टर दहिया चौधरी साहब कहते हैं हम उन्हें। उन्होंने सबसे बड़ा कॉपरेशन जो मुझे दिया, जो एक तरह से इकोनॉमिकली उनके लिए नुकसान भी था, लेकिन शायद किसी बात को लेकर उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और उस नुकसान को भी वो झेल गए। पहले चार दिन शूटिंग भी होती रही, माहौल को मैं समझता भी रहा, क्योंकि मेरे साथ में जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कर भी चुके थे फिल्में। तीन चार दिन मैं देखता रहा, कैमरा, लाइट, साउंड, एक्शन, एंगल, मार्किंग, यहां से वहां नहीं, वहां से यहां नहीं, वहां से लेके इधर तक का मार्किंग है, जो करना है आपको इसके अंदर करना है, कैमरे का एंगल ये है। तीन चार दिन तक मैं ऑब्जर्व करता रहा, कुछ करता भी रहा। पांचवे दिन मुझे याद है मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को बुलाया घर पे, मैंने एक बहुत जरूरी बात करनी है। आए, कहते भाई जी बोलिए। मैंने कहा अब फिल्म शुरू करें? उनका जवाब कहते कहते लेट्स स्टार्ट इट एंड देन द फिल्म शूट बिगिन। तो वो चाहते तो वो रिटेन कर सकते थे पुराने पोर्शन, बट उन्होंने पांच दिन के बाद फिर से वो सीन्स वापस किए या वापस उन्होंने इसी बात को फॉलो किया कि इन्होंने कहा कि सुखविंदर ने कहा कि बहुत एक जरूरी बात करनी है। और जैसे बैठे और बैठते उन्होंने चाय का कप हो गया, नाश्ता हो गया, तो कहा कि क्या फिल्म शुरू करें? उन्होंने जवाब दिया करें। इतना कह के वो शेक हैंड किए चले गए। कहते कितना टाइम चाहिए? मैं कहा दो दिन। फिर चले गए और मैंने फिल्में तो खैर पहले भी मैं देखता ही था, मैं फिल्मों के लिए म्यूजिक करता हूं, हाँ जी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी करता हूं। तो सबसे पहले मेरी तमन्ना सरदार पटेल देखने की है। अच्छा। मैं देख चुका था पहले भी, क्योंकि हमें म्यूजिक में हमेशा ये सिखाया गया है हाई रेंज जो है, चिल्लाना नहीं, हाई रेंज, हाँ जी, में चार्म पैदा करने के लिए, लाइक चक दे इंडिया हुआ या यार निकाले उस चले, उसको डिवाइन लेवल पे चार्ज करने की प्रैक्टिस क्या है, लो नोट, मतलब हाई रेंज को की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए गले में लो नोट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं जब सरदार पटेल देखी थी तो सरदार पटेल का करेक्टर हमारे जहन में लोह पुरुष आयरन मैन, और परेश रावल जी ने जो उस करेक्टर को, उस लोह पुरुष को इतने लो प्रोफाइल पे परफॉर्म किया और इतना स्ट्रेंथ नजर आती है, वो पिक्चर मैंने दोबारा देखी। फिर बहुत सालों पहले मैंने चक्र देखी थी स्मिता पाटिल और नसीर साहब की, तो सडनली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग What a different world, मैं जो पहले देख चुका था। थर्ड थिंग क्या थी कि छैया छैया गाना गाने से पहले ए आर रहमान ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया था, एक चांस दिया था तमिल गाना गाने के लिए, जो पिक्चराइज होना था एस पी बाला सुब्रमण्यम के ऊपर। हालांकि एस पी बाला सुब्रमण्यम स्वयं एक बहुत बेहतरीन गायक है, बेस्ट द बेस्ट, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत अच्छे इंसान। तो
इसके पहले कि ये सुनते मेरा कलेजा कांप जाए, मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की, क्या सोच के कि सुखविंदर डू वन टाइम वन जॉब, जस्ट थिंक दिस कि चिड़िया की जो आंख नजर आ रही है, नहीं दूसरी आंख भी नजर आ रही है, वन टाइम वन जॉब। तो ये जो आर्टिस्ट हैं जिनके हम लोग शुरू से बचपन से हम उनको हीरो मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे यहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की एक्टिंग वर्ल्ड में कुछ कलाकार तो इतने अच्छे हैं कि वो खुद के भी फैन होंगे। सही, जैसे मैं लता जी के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ कि लता जी तो खुद को सुनते हुए खुद की भी फैन होगी। तो ये दो दिन के समय में ये किया, फिर बाद में जो मेजर ब्लेसिंग ये थी कि हीरो बनने का कोई ग्रीडीनेस था ही नहीं। राइट, बट यू नो आप चाहते तो एक तजुर्बेकार, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर आपको एक्टिंग ऑफर भी होती तो आप एक तजुर्बेकार डायरेक्टर के साथ शुरुआत कर सकते थे। आपके जो डायरेक्टर हैं जगबीर दाहिया, इनकी पहली फिल्म है, और चूंकि इनकी भी पहली फिल्म है, आपकी भी पहली फिल्म एक्चुअली, राइट जी, तो आपको नहीं लगता कि एक एक्सपीरियंस हाथों में अगर आपको सौंपा जाता तो आपकी जो कला है बतौर एक्टर वो निखर कर आती? करेक्ट, और निखर के आती थी। अगर आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि मेरी तरह की सोच का जो इंसान है, अगर मैं इफ आई एम नॉट क्रेजी माई सेल्फ, हाँ जी, लेकिन जिनके अंदर प्रैक्टिकलिटीज ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं, राइट, कि अगर किसी के लिए इमोशन रखना है तो वो सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, कुछ करिए, डू समथिंग आल्सो, कि एक तरफ तो आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा बोल के गए, जब वो आदमी एक्चुअली मुसीबत में फंसा तो आप भाग गए, तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर अ डिप्लोमेटिक पर्सन, यू से यू आर सेइंग समथिंग विच इज रियली अप्रिशिएट, जिसको अप्रिशिएशन मिला, लेकिन करने कुछ करने की बारी आई तो आप भाग गए। इस तरह के जो जो व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, जो मैंने अपने आप में पाया है, इस तरह के लोगों के साथ जब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर मिलते, अगर मेरे को मिलते, तो डेफिनेटली फर्क तो बहुत आता। लेकिन हुआ क्या कि ना तो इसमें कैनवस है, ना लार्जर देन लाइफ है, सिर्फ एक बात, जिस दिन पहले मैंने जो मैंने आपको कहा था कि मैंने मिस्टर दाहिया को बोला कि फिल्म शुरू करें, तो उस दिन मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा देखिए फिल्में बनती हैं, चलती हैं, नहीं भी चलती हैं, लेकिन सुनने में यह आया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो मैंने कोई भी फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर आप देखें तो बहुत मेहनत हो रही होती है, तो फिर मेहनत का फल अगर मीठा होता है तो हर फिल्म का फल मीठा क्यों नहीं मिलता? बहुत सही। तो उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहा देखिए मेहनत, कर्म, तपस्या, शरीर, आत्मा, दिल और दिमाग, इन सब चीजों पे एक ही चीज भारी है, वो है नियत। जिसकी नियत में खोट वो नरक का भोगी। तो हम सब फिल्म बनाते समय इस नियत का ध्यान जरूर रखना, मैंने कहा, क्योंकि मेहनत तो होगी ही, लगन भी होगी, आत्मा से काम करोगे, दिल से काम करोगे, दिन रात काम करोगे, लेकिन नियत को मत माइंड से जाने देना। तो इसलिए सादे स्वभाव से बनी है फिल्म, राइट, सिंपल वे से बनी है। मैं जानता हूं कि आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि किसी एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ होता तो मुझे और नॉलेज मिलती, लेकिन ये बात सोशल थी तो हमने अपनी टेक्निकल टीम जो स्ट्रांग रखी। हाँ जी, इफ आई एम नॉट बोरिंग देन देयर समथिंग हैपेंड व्हिच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बोलिए ना। एक बहुत इमोशनल सीन था कि जिसमें मेरा नाम उसमें ऋषि है, कि ऋषि जो है वो हमेशा विश्वास करता है कि कंफ्लिक्ट और डिबेट्स ज्यादा ना हो, बात की शुरुआत ही सोल्यूशन से हो। ओके। और करते 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 एक रीटेक, दो रीटेक, तीन रीटेक, तो
वो बोले आज तक तो कभी हुआ नहीं, ऐसा कैसा हो गया। मैं कहा एक काम करिए जी, शूट आप कल कर सकते हैं। तो कहते कल क्या परसों करें, लेकिन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा आप 4 कैमरा लगा दीजिए और थोड़ा मार्किंग की बाउंड्री से हटा दीजिए मुझे, कुछ 1-2-3 लोग हैं उनके साथ बात करनी थी। 6 कैमरा लेके आए वो लोग कि आपको जिधर घूमना है घूमो, क्योंकि आपकी आपको आपको शूटिंग के दौरान ही देख के लग गया कि आपको अपने फेस की फिक्र नहीं, आपको बात की फिक्र है। हाँ। आपको बात की फिक्र ज्यादा है, तो आपको जो लगता है। तो इस तरह से वो व्हेन दे सॉ द रशीज, उसके बाद एंड तक की फिल्म की शूट उन्होंने वैसे की। Wow. At least my sequences, which is so good, which came out very well. आपसे मैं जो बात कर रहा हूं, अगर मुझे ये कहा जाए कि this is the script and this is the dialogue, like Taran is the name of the character, वो आपसे कुछ पूछेंगे सुखविंदर is acting now, this मान लीजिए फिल्म का शॉट है, तो कहीं जरा सा एक चेंजेस आएगा। इन्होंने कैसे किया मोस्ट ऑफ द शॉट कि जैसे आप सुखविंदर जी, अगर ये एनवायरमेंट होगा तो आप किस तरह से बात करेंगे, एक नेगेटिव पर्सन है सामने। ओके और बाद में मुझे ओके सुनाई दिया है, दैट वाज द शॉट। वाओ, तो बिना डायलॉग पढ़े या रटे आपने जो आपको फील हुआ आपने उस वक्त पर्दे पर दर्शाया। डायलॉग दिए लेकिन बोला कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट किया कि ये आपके यहां जब गाने आते तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा हम इनको बेसिक गाना सिखा देते हैं, एंड ही सच अ लविंग पर्सन, फिर हम इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्या इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं जो बेसिक कंपोजिशन से भी दूर ना रहे और उसकी फ्रेग्रेंस अलग हो और कन्विक्शन भी हो। उन्होंने वो वहां से जो इंफॉर्मेशन ली वो यहां पर लागू कर ली। वाह, बहुत खूबसूरत बात। बट यू नो आपने अभी भी एक बात कही कि आप एक अलग कैरेक्टर निभा रहे हैं, ऋषि शायद आपने नाम कहा, ऋषि इज द नेम ऑफ। ओके, बट जनरली अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिशियंस जो फिल्मों के पर्दे पर नजर आए हैं उनकी अगर पहली फिल्मों को देखें, हिमेश शीशम यहाँ की पहली फिल्म आपका शुरू, वो उस फिल्म में बतौर म्यूजिशियन ही आए थे, पेश किए गए थे हिमेश शीशम या के नाम से। या अगर हम राघव सचर की बात करें तो उनकी फिल्म लगी है तुम मिलो तो सही, तो उसमें भी वो राघव सचर के रूप में नजर आएंगे। तो क्या आप भी इस फिल्म में म्यूजिशियन का पात्र निभा रहे हैं? ऑफकोर्स आई एम अ म्यूजिशियन। ओके, और रिवोल्यूशनरी है, राइट। और उसका जो बेसिक गिमिक ये है कि अगर वो डिस्को नंबर गा रहा है, मतलब लोगों को लग रहा है कि आइटम सॉन्ग गा रहा है, बट सडनली पीपल विल रियलाइज कि इसमें वो मैसेज की बात कर रहा है। मैसेज ही है, लेकिन क्योंकि लोगों को बहुत चार्मिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो चार्मिंग परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन चार्मिंग है। माइक्रो मिनीज में गर्ल्स हैं, ही इज शोइंग देयर बॉडी दिस एंड दैट, बट सडनली पीपल रियलाइज करते हैं कि मतलब ये क्या कह रहा है, राइट। तो जो बोली है उस पर ध्यान दिया जाएगा, बोल के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, बोल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और एक नया अध्याय जुड़ेगा कि कभी कभी ऐसा मौका आए तो कन्विक्शन को, सोशल किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अगर नहीं ड्राई होना चाहते तो उसको इंटरेस्टिंग लेवल पे ले जाके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, यू नो आपकी फिल्म आईपीएल के दौरान रिलीज हो रही है। हाँ। ना आपको लगता है ये सही कदम है? आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देखें, आपकी पहली फिल्म है बतौर एक्टर, बट आईपीएल के दौरान जैसे कि हम सब जानते हैं लोगों का ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि आधे लोग, काफी लोग, मैं नहीं कहूंगा आधे लोग, बट काफी लोग, उनका झुकाव क्रिकेट की ओर होता है। कभी कभी ना बड़ा एक देसी मौका मिलता है। मेरे को यह बात कही गई थी, हाँ, जिस दिन हम लोगों ने यह फैसला लिया तो सब लोगों ने मेरे को बोला कि इससे बड़ी बेवकूफी नहीं आप कर सकते। मैंने कहा देखिए बात यह है कि पहली बात तो मैं ना तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना प्रोड्यूसर हूं, ये फैसला मुझ तक पहुंचा है और मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कि आईपीएल के दौरान रिलीज कर रहे हो, तो मैंने कहा देखिए मैं कोई ना मैं शाहरुख, ना अक्षय, ना आमिर, मैं अपनी जगह में रमाया हूं, अपना संगीत से जुड़ा इंसान हूं। तो मैंने कहा अल्टीमेटली एक ही बात ही है। कहते कैसे?
मैंने उनको हंसा दिया, मैं कि बड़े बड़े लोग जिस टाइम पे भाग गए हैं उससे ज्यादा खाली स्थान आपको कोई नहीं मिलेगा। ये बात सच है, राइट। यू नो, बट अगर भगवान ना करे अगर फिल्म 19-20 हो जाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? आप म्यूजिक की तरफ ही रहेंगे या एक्टिंग को एक और ट्राई देंगे, एक और मौका देंगे? Yesterday I have signed 2 films as music director. Okay. Of course. So what? No, right. No, no. Right. पर आपको कभी कभी डर नहीं लगता, जैसा कि मैं उस सवाल पे आता हूँ कि अगर शायद अगर ये फिल्म ना चले, कहीं मन में एक खौफ है, कहीं डर है, तो क्या होगा? देखिए, एक फिल्म तो मैं पक्की जानता हूँ है। मैं मेरे प्रोड्यूसर है, उन्होंने रशीश देखने आए थे। उन्होंने एक बात कही, कहते फिल्में चलती हैं, आइडियाज बहुत बड़े बन जाते हैं, आइडियाज कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ जी। पर ये देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि मुझे आपकी फिल्म का कल को क्या होगा वो मैं नहीं जानता, बट मेरी फिल्म आप जरूर कर रहे हैं। वाह। पर आप खुश हैं अपनी फिल्म से, अपनी परफॉर्मेंस से? मैं इतना खुश हूं कि मतलब जो अब बोल रहा हूं वैसे ही उसमें बोल रहा हूं। ओके ओके, बट बिफोर वी शेक हैंड एंड से गुड बाय, मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म का एक गीत हमारे दर्शकों के सामने, दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे, जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे।